देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू sec tan root x, ये लिख लिया। अब सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, डेरिवेटिव लेना है। तो लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो y का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हुआ, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं, dy ओवर dx। उसके बाद d ओवर dx किसका लेना है हमें, sec tan root x इसका लेना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए होगा क्या, dy ओवर dx sec के लिए ये पूरा x हो गया, ये जो tan root x है ये पूरा x हो गया sec के लिए, और sec का जो d ओवर dx होता है वो कितना होता है, sec tan x। यहां पर लिखेंगे sec और sec x tan x होता है ना, तो x की जगह पे कितना है tan root x, तो यहां पर कितना आ जाएगा tan root x, ये आ गया। और sec x और tan x होता है, ठीक है। तो tan root x, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमें चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव करना होगा, d ओवर dx इस tan root x का भी डेरिवेटिव करना होगा। तो यहां लिख लेते हैं tan root x, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो यहां पर देखो sec tan root x tan root x, ये लिख लिया। अब tan root x यानी tan का जो d ओवर dx लेंगे तो कितना होगा, sec square x होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, और x की जगह कितना root x, तो यहां पर लिखेंगे root x। अब चेन रूल के हिसाब से सारी चीजों का हमने ले लिया, sec का भी ले लिया, tan root x का भी ले लिया, अब बचा कितना root x, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए sec tan root x tan tan root x sec स्क्वायर root x। अब root x का कितना होता है, root x का ही तो मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखाया था ना, d ओवर dx root x इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन 2 root x, ये होता है ना, तो ये लिख लेते हैं हम इसका, देखो 1 अपॉन 2 root x, ये इसका डेरिवेटिव होता है किसका, root x का। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y = sin ax + b upon cos cx + d, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव, सिंपल सी लाइन हर उसमें लिख दी हमने, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो dy / dx का y का कितना हो जाएगा, dy / dx। अब यहां पर देखो ये क्या है, एक डिवाइड रूल लगेगा यहां पर, fx / gx वाला रूल लगेगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मान लो कोई fx फंक्शन है और एक gx फंक्शन है, दोनों डिवाइड में है, तो इसे अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो किस रूल से बोलेंगे, हम बोलेंगे कि gx d / dx fx - fx d / dx gx, ये हमें करना होगा अपॉन जी स्क्वायर एक्स, ये हमें करना होगा, ठीक है। इस रूल से हम लोग इसे भी खोलेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स ऊपर वाला हो गया और जी एक्स जो हो गया वो यहाँ पर नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, सेम हियर माइनस लिखते हैं, मतलब माइनस आएगा, माइनस का साइन, साइन ए एक्स प्लस बी डी ओवर डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हो गया। अब अपॉन इस कॉस का स्क्वायर करना होगा, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
देखो सिंपलीफाई कैसे करनी है, cos cx plus d, cos cx plus d और sin ax plus b, अगर sin x का देखेंगे तो da by dx cos x हुआ, तो x की जगह पे कितना है ax plus b, यहाँ पर सिंपल ही लिख देंगे cos ax plus b, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और चेन रूल के हिसाब से da by dx किसका भी करना पड़ेगा, ax plus b का भी करना होगा, ठीक है। तो sin ax plus b, sin ax plus b और d over dx किसका करना है, cos cx plus d का, तो cos x का होता है minus sin x, तो cx plus d करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा cos minus sin cx plus d, और चेन रूल के हिसाब से d over dx किसका लेना है हमें, cx plus d का, तो यहां पर cx plus d का चेन रूल के हिसाब से ले लिया, ठीक है। और सेम प्रोसेस वही रहेगी, जो डिनोमिनेटर में है वो सेम रहेगा cos स्क्वायर cx plus d। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो d over dx equals to cos cx plus d and cos ax plus b, ax plus b में अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर a जो होगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल और केवल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a minus sin ax plus b, और ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस को लेके आए तो प्लस हो गया, और यहाँ बचा sin cx plus d, एंड cx plus d में अगर डेरिवेटिव लूंगा तो केवल c बचेगा, मैंने यहाँ पर c लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपॉन में लिखा cos स्क्वायर cx plus d, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, d by 1 dx equals to cos cx plus d और cos ax plus b, यहाँ पर दे रखा है ना, और नीचे देखो क्या दिया cos square cx plus d, अगर हम इसे LCM ये fractions की form, अगर हम इसे fractions की form में convert कर लें, तो देखो fractions की form में कैसे convert करेंगे, एक तो पहले a जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुरू में, ठीक है, तो cos cx plus d cos ax plus b upon cos square cx plus d, इतना कर लिया हमने, प्लस sin, और ये जो c है इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने sin c ax plus b sin cx plus d, ये लिखा। अब यहाँ लिखेंगे cos square cx plus d, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो cos cx plus d यहाँ पर दिया है और cos cx plus d यहाँ पर दिया है, तो एक cos है और एक cos cx plus d से एक तो कट गया, अभी एक यहाँ नीचे बचा है, ठीक है, cos cx plus d। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं कुछ है, यहाँ पर cx plus d sin का दिया है और यहाँ पर cos cx plus d दिया है, तो अब देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं सॉल्व, अगली लाइन में हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में dy over dx equals to a, यहाँ पर कितना बचा cos ax plus b, cos ax plus b upon, यहाँ एक और बचेगा ना, तो यहाँ पर जाएगा cos cx plus d, इतना कर लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो c sin ax plus b दिया है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं सेम sin ax plus b, और sin cx plus d upon cos cx plus d कितना हो गया sin cx plus d, और इसका ये cos cx plus d कितना हो गया tan cx plus d। अब यहाँ पर एक और बचा cos cx plus d, तो ये बन जाएगा 1 upon cos cx plus d, जो किसके बराबर होगा sec के बराबर, तो जितना जाएगा sec cx plus d, तो इसको आप फाइनल आंसर बोल सकते हो, तो हो सकता है आपके बुक में जो आंसर दिया हो वो ज़्यादा सॉल्व ना किया हो, हो सकता है आपका जो आंसर है वो यहीं पे खत्म कर दिया हो, ठीक है, आप इसे आगे सॉल्व करके इतना और निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। तो चाहो जिससे आपकी जो बुक है उससे मैच हो जाए आंसर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे cos ax plus b upon cos cx plus d दिया है, तो आप क्या कर सकते हो इसको 1 upon cos cx plus d मान के क्या कर सकते हो, इसको sec cx plus d में कन्वर्ट कर सकते हो, तो sec cx plus d में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो अगला स्टेप आएगा वो आ जाएगा a cos
ax plus b cos cx plus d plus c sin x plus ax plus b tan cx plus d sec cx plus d। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो।